स्टेशंस को निजी हाथों में दिया जा रहा है कि आप साफ करें, आगे बढ़ें, तो क्या सरकार पूरी तरह से निजीकरण की दिशा में बढ़ रही है या इंप्रूवमेंट के लिए कुछ हिस्सा प्राइवेट सेक्टर को दिया जाएगा? क्या प्लान है आपकी सरकार का, आपके नेतृत्व में रेलवे का? श्री मेरे पूर्ववर्ती मंत्री श्री पीयूष जी गोयल ने पार्लियामेंट के फ्लोर पे क्लियरली कहा है कि रेलवे के प्राइवेटाइजेशन का कोई प्लान नहीं है, कोई प्रपोजल नहीं है। रेलवे इतना कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन है, कितने सारे सिस्टम है, आपका ट्रैक सिस्टम है, आपका इलेक्ट्रिसिटी का OHE सिस्टम है, सिग्नलिंग सिस्टम है, इतने सारे सिस्टम्स हैं और सब के सब इंटरप्ले करते हैं एक दूसरे से। ऐसे कॉम्प्लेक्स सिस्टम को प्राइवेटाइजेशन की कोई थॉट प्रोसेस ही नहीं है। विपक्ष कई बार इस बात को अननेसेसरी मुद्दा बना के उठाने की कोशिश करता है, लेकिन पब्लिक जानती है, सभी लोग जानते हैं कि रेलवे के प्राइवेटाइजेशन का कोई स्कोप नहीं है। रेलवे परिवार कैसे आगे बढ़े, आज 12 लाख रेलवे परिवार के मेंबर्स हैं गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के पॉइंट ऑफ व्यू से, और 2 करोड़ है टोटल रेलवे परिवार, यानी रेलवे के जो सप्लायर्स हैं, वेंडर्स हैं, कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, मेंटेनेंस के लोग हैं, वो सारे के सारे 2 करोड़ है। हमारा टारगेट है ये 2 करोड़ की संख्या 3 करोड़ कैसे पहुंचे, रेलवे का और एक्सपेंशन कैसे हो, क्योंकि रेलवे का एक्सपेंशन हुआ मतलब देश की लॉजिस्टिक्स की कॉस्ट डाउन हुई। तो प्रधानमंत्री जी ने जो PM गतिशक्ति का विजन दिया है उसमें भी रेल और रोड और वाटरवेज को इंटीग्रेट करने का विजन दिया है।